गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की भर्तियों को लेकर जी हाँ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आज जो है बैठक हुई है, किसके बारे में हुई, क्या इस बैठक में निर्णय लिया गया, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है DIPR उत्तराखंड की, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में आज सचिव वाले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं की सुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की गई परीक्षाओं के बारे में यहां पर डिस्कस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर माह में पुलिस आरक्षी RBI अग्निशमक की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए और इसमें कोई बाधा ना हो, इसके बारे में जो है दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। उन्होंने साथ ही सभी जिला अधिकारियों को प्रश्न पत्रों को रखने हेतु डबल लॉक सिस्टम और CCTV कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों के लिए भी वीडियोग्राफी हेतु CCTV कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की नकल करने की कोई घटना को अंजाम ना दे सके। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटरों में किसी भी प्रकार की, यानी कि आप देख लीजिए आपके एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाले हैं, यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको क्या क्या जो है अलर्ट रहना है। तो कलाई में पहनने वाली घड़ी यानी कि स्मार्ट वॉच, फ़ोन एवं गैजेट्स को पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए। यानी कि यहाँ पर आपके जितने भी स्मार्टफोन्स वगैरह होंगे आपको यहाँ पर जो है अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों के मोबाइल एवं घड़ी को रखने हेतु, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं, इसीलिए जो है वहाँ पर आपको यानी कि जो कैंडिडेट्स अपने साथ सामान लेके आएंगे जो कि अंदर नहीं ले जा सकते हैं, उनको जो है यहाँ पर रखने की पूरी व्यवस्था जो है सेंटर पे होनी चाहिए। उसके अलावा दिसंबर माह में होने वाली परीक्षा में स्नोफॉल और मार्ग में अवरुद्ध होने के कारण कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित ना रहे, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे परीक्षा केंद्रों का चयन हो जहां पर पर्याप्त व मात्रा में जो है यानी कि जो आने जाने की यहाँ पर व्यवस्था हो सके। उसके अलावा परीक्षार्थी समय से परीक्षा देने पहुंच सके, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने परीक्षा में समय जो मतलब टाइमलाइन है 10 बजे से लेकर 12 बजे को बढ़ाकर 11 बजे से 1 बजे तक कर दिया है। यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान से समझना है, यानी कि जो आपकी परीक्षा है वो अब 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगी, जो पहले 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने पुलिस विभाग को कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हुए हैं ताकि नकल आदि की गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, लोक सेवा अध्यक्ष के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार, सचिव शैलेश बगोली समेत अन्य उच्च अधिकारी यहां पर आप देख सकते हैं उपस्थित थे। तो आप समझ लीजिए कि जो 18 दिसंबर को यानी कि अब लगभग 1 महीने के आसपास का थोड़ा सा समय बचा है, आप अपनी तैयारियों को पूरा अंजाम दीजिए। विभाग उत्तराखंड शासन पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, शायद इस बार कोई भी परिंदा भी जो है पर न मार सके। बाकी पूरा शेड्यूल यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। आप बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आपको जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।